70 साल में किसानों को जो सफलता नहीं मिली वो इस आंदोलन में मिल रही है। क्या? सबसे पहली सफलता है किसान जागरूक हो रहा दिन पे दिन, किसान जागरूक हो गया। इसका एक ही उदाहरण मैं आपको बताऊंगा किसान जागरूक हुआ है कि नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में केवल हमारे लीडर गए थे, वहाँ की सरकार तो जो है भाजपा की हारी या नहीं बनी एक तरीके से, लेकिन जागरूक का उदाहरण ये है उत्तर प्रदेश में जो अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, हमारे किसी लीडर ने नहीं कहा, कोई लीडर नहीं बोले कि वो भाजपा वालों को हराना है। किसान ने खुद, जनता ने, किसान ने, मजदूर ने, जनता ने खुद ये संदेश दिया भाजपा के कैंडिडेट को हरा के। इतनी बुरी स्थिति में पूछाए कि 75 जिलों में से 13 जिलों में उन्हें 10 सीटें भी, मतलब 13 जिलों में वो 10 सीटों पर भी जिला पंचायत के मेंबर नहीं जीत पाए। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो चुनाव हार गए जिला पंचायत का, और मुजफ्फरनगर जिले में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, चाहे निर्दलीय भले से ज्यादा जीते हो। वो आपकी बात सही है, यूं तो ममता बनर्जी भी बंगाल में हार गई, क्या उनकी सरकार नहीं बनी? ये तो उदाहरण हो जाता है, पब्लिक है, पता नहीं उनका व्यक्तिगत कुछ रहा होगा, क्या कमी रही, या सरकार भी इन छोटे चुनावों को, ये चुनाव जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं वो सरकार की मुट्ठी में होते हैं, उन्होंने टारगेट कर लिया होगा मैं मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष को नहीं जीतने देना, नहीं जीतने दिया। ये बहुत बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए। आप तो भी कहते थे कि एक भी कार्यकर्ता बीजेपी का गांव में एंट्री नहीं करेगा, लेकिन इतनी बड़ी जीत होना फिर तो नहीं, उसका आप समझते हो क्या होगा? आपने देखा भी होगा, यदि हम भाजपा के किसी भी कैंडिडेट को गांव में नहीं घुसने दें तो लठमार होगी, मार्सल्ला होगी, जो हुआ था पहले। पीछे हुआ था, जिसे टिके साहब ने रोका, हमारे लीडरों ने रोका, नहीं भाई आप इन्हें वोट देना मत देना, लेकिन कम से कम खून खच्चर वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए। और बहुत बड़ी, घनी बड़ी उपलब्धि है कि जनता जागरूक हो गई और जनता को ही जगाने का काम कर रहे हैं, और या तो ये बिल वापसी लेंगे वरना 2022 में तो योगी को वापसी भेज देंगे, और 2024 तक भी आंदोलन नहीं हट रहा, जहां से सरकार आई थी वहीं जाना पड़ेगा। आप लोग बार बार कहते हैं कि 2022 में योगी को घर भेज देंगे, अब विकल्प मिल गया क्या आप लोगों को? हाँ विकल्प है, सारा विपक्ष विकल्प है, सारा किसी भी विपक्ष को दे, किसी को भी जिताए हमें तो भाजपा। एक बात बताओ, ये जो 3 कृषि बिल लाए हैं ये भाजपा सरकार लाई है, भाजपा सरकार नहीं मान रही हमारी, तो हमारे लिए तो पूरा विपक्ष विकल्प है, ये जनता चुने विपक्ष में से कौन बढ़िया है उसे चुने, लेकिन कम से कम भाजपा को नहीं चुनेगी अब जनता, भाजपा ने दिखा दिया। वजह क्या, दोनों तरफ से तलवारें लटकी पड़ी है, ना किसान पीछे हटने के लिए तैयार है ना सरकार पीछे हट रही है। नहीं, सरकार की तो मजबूरी हो गई, उसने देश बेच दिया, पैसा किसी भी चीज को, मैं यदि ये गाड़ी खड़ी है इसे मैं किसी को बेच देता हूँ, इसका बयाना ले लेता हूँ, और बयाना लेने के बाद मैं उस बयाने को कहीं ना कहीं खर्च भी कर देता हूँ, तो मेरी मजबूरी होगी, मैं फिर किस तरह, मतलब सरकार के हाथ से बात निकल, हाँ बिल्कुल निकली हुई है फिलहाल, यही लग रहा सरकार। पहली बात तो सरकार प्रकार है नहीं, सरकार है अडानी और अंबानी, ये नाम के मोदी और शाह हैं, अडानी अंबानी या और जो उद्योगपति हैं वे सरकार हैं। यदि सरकार वास्तव में होती तो अब तक बिल वापस हो गए होते। सरकार अगर अगर जैसे आपने कहा, कई लोग कह रहे हैं इस बात को कि सरकार के हाथ में बात बची जी, तो अब किसान क्या करेंगे, क्योंकि अब सरकार के हाथ में सरकार को हटा के जाएंगे, अगली सरकार देखेंगे अगर उसने भी सरकार ना, उसकी ताकत नहीं आगे, आप नोट कर लो, आगे वो ही सरकार आएगी जो किसान की होगी, जो किसान की सोचेगी, क्योंकि हम किसी एक सरकार को नहीं कह रहे, हमें जो है हमारा उद्देश्य भाजपा को खत्म करना है, ये किसान को खत्म करना चाह रहे थे, जनता इसे खत्म करेगी सीधा सीधा। उतरी क्या बीजेपी सरकार? नहीं, क्या खरी उतरी, देश बेच दिया, देश में छोड़ा क्या है, खरी क्या उतरी है? आप आज एक वर्ग भी, आप मुझे बता दो, एक भी वर्ग खुश नहीं है, रेलवे विभाग खुश नहीं, डॉक्टर खुश नहीं, बैंक कर्मी जिन्होंने रातों रात काम किया था वो खुश नहीं, आपका जो है इन्होंने छोड़ा क्या देश में, डीजल बेच दिया, पेट्रोल बेच दिया, गैस बेच दी, बिजली बेच दी, विद्युत कर्मी खुश नहीं, विद्युत विभाग खुश नहीं, इन सब वर्ग है कौन सा खुश? गाय तो छोड़ दी ना रस्तों पे, आप कह रहे हैं कुछ छोड़ा नहीं, गाय तो छोड़ दी। हाँ गाय भी छोड़ दी, और जो है देश का खाली नक्शा भी छोड़ दिया, अंदर का सब कुछ बेच दिया,
और 2024 तक ये तो अब तक बिक गया होता, अब तक भी पता नहीं क्या क्या बिक गया होता। यदि एक साल लगभग हमारा 6 महीने नहीं, एक साल से आंदोलन रहता है, हम बॉर्डरों पे ही तो 6 महीने से आए हैं, एक साल से किसान यूनियन आंदोलन रहता है। बना रहे हैं किसान सर की सरकार झुक जाए? नहीं, सरकार को तो अब रणनीति वोट की चोट की बना रखी है। 2022 में चुनाव आ रहे हैं, सुपड़ा साफ करेगी जनता, करेगी हम तो यहाँ पड़े, काम जनता करेगी। हमारे नेताओं को केवल मार्गदर्शन करना है जनता का, और जनता इनका सुपड़ा साफ करने का काम करेगी यदि ये नहीं मानते, और बाकी आगे की रणनीति। आंदोलन में और वोटिंग में जो चुनाव, उनमें अंतर बहुत बड़ा होता है ना सर? जैसे कि कभी वोटिंग में कन्वर्ट नहीं होते ना सर? नहीं हो रहा ना, आप देख नहीं रहे? पश्चिम बंगाल में क्या, एक बात बताओ, टिकैत साहब केवल 3 स्टेटों में गए थे, केरल में गए थे, पश्चिम बंगाल गए थे, तमिलनाडु, 2 स्टेटों में खाते नहीं खुले। पश्चिम बंगाल में सुपड़ा साफ हो गया, जो उनसे 200 उससे ऊपर की सीटें कह रहे थे। आसाम में टिकैत साहब गए नहीं, उन्हें भी पता था, कुछ अंदाजा होगा उन्हें भी कि वहाँ ये बेईमानी करेंगे। पश्चिम बंगाल को बार बार कहते हैं, पश्चिम बंगाल में कुछ खोया तो नहीं बीजेपी सरकार ने? कुछ पाया ही है सर, सरकार तो नहीं थी उनकी कि वहाँ सरकार चली? नहीं, वहाँ उन्होंने केंद्रीय बलों से पाया, जनता से नहीं पाया। अब वहाँ क्या हो रहा, वो ही इंतकाम पब्लिक में, जो इन्होंने जबरदस्ती वहाँ केंद्रीय बलों को लगा के और जबरदस्ती वोट डाले हैं, डलवाए हैं, उसी का इंतकाम चल रहा है वहाँ, जो हमें लग रहा है हम दूर बैठे हैं। आप तो पहले ईवीएम को भी कहते हैं, अब ईवीएम नहीं चली वहाँ? नहीं, ईवीएम आसाम में चली है, वहाँ नहीं चलने दी, आसाम में नहीं चली। क्या विधायकों की गाड़ियों में ईवीएम चलेंगी? क्या जहाँ 119 वोटें हैं वहाँ 190 वोटें निकलेंगी? ये किसका खेल है, कहाँ से आ गई 119 में 190 वोट कहाँ से हो गए? आसाम में क्यों नहीं रोका आपने? नहीं, आसाम में उनकी बस ये लीडरों की रणनीति है, हमारी हाईकमान की रणनीति है, इसमें हम नहीं कह सकते, ये उनका काम है। हम तो छोटे से कार्यकर्ता है, मंडल का कार्यकर्ता हूँ मैं तो। लोगों की कमी है वोटर पे फिलहाल, थोड़ा सा की वजह से हमारे नेतागण भी, हमारा हाईकमान भी दबाव नहीं दे रही, और पब्लिक पिछले 1.5-2 महीने से कम है ना लोग। आप चिंता ना करो, करवाओ तो उस सरकार से, आप देखियो यहाँ क्या है, पता लग जाएगी। छोड़ दिया आपको, लावारिस हो करे ना, बात कर रही है आप तो ना कुछ कर रहे हो ना, तो आंदोलन तो लावारिस ही मान लो, लीडरों के हम तो आंदोलन का सरकार के थोड़े ही है। सरकार ने छोड़े रखे, पब्लिक अपना काम करती रहेगी, जो भी चुनाव आएगा सुपड़ा साफ करेगी। नहीं, आपको नहीं लगता? सच बताओ, आपके आत्माओं में नहीं है कि 2022 में ये हरियाणा में भी चुनाव है, 23 में कभी वहाँ भी सुपड़ा साफ होना, वो हरियाणा नहीं पंजाब में, पंजाब में तो टिकट लेने वाला नहीं मिलेगा कोई, पंजाब ने तो पहले ही हरा दिया था। जहाँ जहाँ भी स्टेटों में चुनाव आएंगे 2024 तक, हम आग्रह करेंगे अपने लीडरों से 2024 तक हम यहाँ पड़े रहें, कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, केवल आंदोलन चलाते रहे। सरकार से हम क्या कहने वाले हैं, सरकार को कह रखा, बता रखा, 3 बिल वापसी लो, MSP पर कानून बनाओ, और भी जो किसानों की समस्याएं उन्हें हल करो। अगर सरकार थोड़ी पीछे हटो तो आप लोग भी हटो? नहीं, अभी कहाँ, अभी सरकार पीछे कहाँ हट रही है, अभी तो सरकार खून चूस रही है, जोक की तरह। अभी आज मैंने सुना है इन्होंने सरकार निधि दी है, सरकार निधि 2000 रुपए दी है, और DAP पे 1 कट्टे पे 700 रुपए बढ़ा दिए, क्या है निधि 1300? तो ये खून चूस रहे हैं ना, जो किधर है, इनका इलाज बांध के जाओगे? अच्छा, बिल्कुल इलाज बांधेंगे, बिल्कुल नहीं जा रहे घर तक इतने। और आपसे भी आग्रह, आप भी इसी तरह मेहनत करते रहियो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, लगे रहो, डटे रहो।